नमस्कार, मैं चंचल शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की आज के दिन की गई थी स्थापना। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, इसलिए 7 अप्रैल को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन सभी देशों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने का दायित्व निभाता है। दुनिया के 194 देश विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य हैं और 2 संबद्ध सदस्य हैं। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। भारत भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य है। विशेष अदालत ने आज के दिन सुनाई थी लक्ष्मणपुर बाथे हत्याकांड में सजा। पटना की एक विशेष अदालत ने 58 दलितों की हत्या के मामले में 7 अप्रैल 2010 को 16 दोषियों को फांसी और 10 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। यह हत्याकांड बिहार के जहानाबाद जिले के लक्ष्मणपुर और बाथे गांव में हुआ था। मारे गए लोगों में 27 महिलाएं और 10 बच्चे भी शामिल थे। बताया जाता है कि हमलावर 3 नावों में सवार होकर सोन नदी पार कर गांव में पहुंचे थे। हमलावरों ने उन मल्लाहों को भी मार दिया था जिनकी नावों से उन्होंने नदी पार की थी। इस हत्याकांड में कई परिवारों को नामो निशान ही मिट गया था। सितार वादक पंडित रविशंकर का आज के दिन हुआ था जन्म। प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर का जन्म 7 अप्रैल 1920 को बनारस में हुआ था। उन्होंने सत्यजीत रे की फिल्मों में संगीत दिया और ऑल इंडिया रेडियो में बतौर संगीत निर्देशक काम किया। उन्होंने यहूदी मेनुहीन और बीटल्स ग्रुप के जॉर्ज हैरिसन जैसे लोगों के साथ काम करके अपनी खास पहचान बनाई। पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारतीय संगीत को दुनिया भर में सम्मान दिलाने वाले पंडित रविशंकर को 3 ग्रैमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। प्रसिद्ध कवि जानकी वल्लभ शास्त्री का आज के दिन हुआ था निधन। हिंदी और संस्कृत के कवि लेखक एवं आलोचक आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का निधन 7 अप्रैल 2011 को हुआ था। उन्होंने 2010 में पद्मश्री सम्मान लेने से मना कर दिया था। इसके पूर्व 1994 में भी उन्होंने पद्मश्री पुरस्कार स्वीकार नहीं किया था। आचार्य जानकी वल्लभ छायावादोत्तर काल से सुविख्यात कवि थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया था। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी और फिर महाकवि निराला की प्रेरणा से हिंदी जगत में आए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भादज्ञान भूषण जी द्वारा 7 अप्रैल दिन बुधवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है बुद्धि विवेक। मेष, आपकी बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 52%। संतान से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति संभव है। आपकी सभी आवश्यक जरूरतें पूरी होने वाली हैं। कार्यों की सरलता से पूर्ण होने के योग हैं। अनुकूलताएं बनाए रहने के योग हैं। शुभ रंग नारंगी व धानी तथा निषेध रंग हरा व काला। वृष, आपकी बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 67%। घर में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है। कार्य क्षेत्र में बेहतर परिणाम मिलेंगे। नौकरी पेशा वर्ग को प्रशंसा प्राप्त होगी। शुभ समय व्यतीत होने के योग हैं। शुभ रंग सफेद हरा तथा निषेध रंग लाल पीला। मिथुन, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 77%। प्रेम जीवन सुकून से भरा रहेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षेत्र में स्थितियां आपके पक्ष में होने के योग हैं। शुभ रंग हरा काही धानी तथा निषेध रंग पीला बसंती। कर्क, आपकी बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 39%। पदोन्नति अथवा अच्छी नौकरी के अवसर आ सकते हैं। समय आपके अनुकूल नहीं है। काम का बोझ अधिक है। जिम्मेदारियों की सहजता से निभाएं। मानसिक परेशानी को उत्पन्न होने के योग हैं। शुभ रंग हल्का हरा धानी तथा निषेध रंग सफेद नारंगी। सिंह, आपकी बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 59%। नेतृत्व करने की प्रवृत्ति रह सकती है। किसी छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। नए नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा। अपनी सूझबूझ से कार्यों को आगे बढ़ाएं। कार्य क्षेत्र में शुभ समाचार की प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग लाल हरा तथा निषेध रंग काला नीला।
कन्या आपकी बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 77%। अनावश्यक खर्च हो सकते हैं। करियर में आपकी स्थिति सामान्य से कहीं बेहतर होने वाली है। सफलता के योग हैं। निजी जीवन सुखी रहेगा। भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्ति के योग है। शुभ रंग हरा काही धानी तथा निषेध रंग पीला बसंती। तुला आपकी बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 76%। आपके सभी काम ठीक से चलते रहेंगे। मन दुविधा में रहने के कारण निर्णय लेने की क्षमता कमजोर रहेगी। वाहन आदि चलाते समय सावधानी बरतें। जोखिमपूर्ण कार्यों से बचें। अनुकूलता बने रहने के योग हैं शुभ रंग सफेद हरा तथा निषेध रंग पीला लाल। वृषक आपकी बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 57%। विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा। रोजगार में वृद्धि होगी। विवाद से बचे। निवेश यात्रा व नौकरी अनुकूल रहेंगे। प्रसन्नता रहेगी। दूसरों के साथ व्यवहार करते समय उनके मान सम्मान का ध्यान रखें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। शुभ रंग नारंगी धानी तथा निषेध रंग सिंदूरी। धनु आपकी बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 51%। रिटेलर्स और मैन्युफैक्चर के व्यापार में वृद्धि की उम्मीद है। आपको अपने मन के करने का मौका मिलने वाला है। सामाजिक स्तर पर सक्रिय रहने का प्रयास रहेगा। संतान के प्रति चिंतित हो सकते हैं। घरेलू समस्याओं से घिरे रहने के योग हैं। शुभ रंग बसंती धानी तथा निषेध रंग काला जामनी। मकर आपकी बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 74%। बौद्धिक और सृजनात्मक कार्यों में आप उत्तम प्रदर्शन करेंगे। जीवन साथी के संग समय व्यतीत करेंगे। व्यवसायियों को व्यापार विस्तार के अवसर आएंगे। सुफल प्राप्त के योग हैं शुभ रंग नीला काला तथा निषेध रंग पीला लाल। कुंभ आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 75%। आप धार्मिक कार्यों पर काफी खर्च कर चुके हैं और फिर से किसी पूजा पाठ पर खर्च हो सकता है। विलासी जीवन का खर्च बढ़ेगा। जोश के साथ काम करेंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। अनुकूलताएं बनाए रहने के योग हैं शुभ रंग नीला काला हरा तथा निषेध रंग पीला बसंती। मीन आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 52%। शुभ फलों की प्राप्ति होगी। नए कपड़ों की खरीदारी करेंगे। व्यापार के लिए अच्छा समय चल रहा है। माता पिता से संबंधित चिंता रह सकती है। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनाए रहने के योग हैं शुभ रंग बसंती तथा निषेध रंग धानी। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय दोपहर 12:22 से 2:06 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121-266-888 या 0983-706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IMT मीडिया।